एक कहावत है, जबरा मारे और रोवन न दे। यह कहावत उस सिपाही पर सटीक बैठ रही है जिसने पूर्व मंत्री के गनर से पिटने के बाद अपना दर्द मीडिया से बयां किया। एसपी ने सिपाही को ही दोषी ठहराया है और मामले में कार्रवाई की संतुष्टि कर दी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे नितिन अग्रवाल के गनर विनय ओझा ने मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार मिश्र को लखनऊ महज इसलिए पीटा था क्योंकि उसने लाल बत्ती होने पर चौराहे से गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई थी, जिसका मामला काफी मशक्कत के बाद लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया था। 10 अप्रैल को जब मंत्री नितिन अग्रवाल एसपी हरदोई सुन के ऑफिस में पहुंचे तो उसी समय पीटे सिपाही ने मंत्री के सामने अपना दर्द मीडिया से बयां किया था, जिसको लेकर मामले की जांच तत्कालीन एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने की और इस जांच में पीटे सिपाही को ही दोषी ठहराया है और कार्रवाई की संतुष्टि कर दी है। सिपाही अब न्याय के लिए भटक रहा है। और 2016 में नितिन अग्रवाल के वहाँ जब मंत्री थे तो मैं ड्राइवर था, उनकी छुट्टी कर रहा था और उस समय जो है छुट्टी कटाने गया था ड्राइवर की, गाड़ी लेकर जा रहा था तो सिग्नल जो है लाल हो गया था, अगले से तो मैंने गाड़ी रोक दी थी। उसके बाद जो उनके जो कुमार उठा थे मैं उनको मारा पीटा था, वहाँ मैंने मेडिकल भी कराया था और एफआईआर भी मारी था, मेडिकल तो बराबर लेते भी रहे। उसके बीच में जो है एसआईटी वगैरह दबाव भी डालते रहे। जब उस दिन मैंने 10 तारीख को जो है यहाँ मैंने उसके बारे में प्रार्थना पत्र देने आया, पता था न्याय के प्रार्थना पत्र भी दे दिया मेरे कुछ किया भी नहीं, उसके हमको ये देख के दंड दे दिया, मिस कर दे दिया कि आपने जो है मीडिया के सामने कहा। हमने कहा मीडिया के सामने जो चीज़ हमने कहा उसकी तो जाँच हुई नहीं, उनको भी होना चाहिए। हमने कहा उनकी जाँच कुछ नहीं होगी और आपके खिलाफ जाए आपके खिलाफ, और जो मैंने कहा उनके खिलाफ वो हमने कप्तान साहब सिंह से भी मिले थे। हमने कहा हम हमारे पास कोई लिखा पत्र नहीं दिया गया है। कुल मिला के सच बोलने सजा मिली, सच बोलने की सजा। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।